अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम भून रहे हैं छली, जिसको भुट्टा भी कहते हैं और मकई भी कहते हैं जनाब, सिट्टा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये फ्रेश छलियाँ लाए थे अंकल, मुझे दी हैं, तो एक भूननी है, दूसरी भूननी, आग कम है तो एक एक करके भूनने हैं। ठीक है, पहले एक भून ली है, बच्चे खा रहे हैं, तो अभी दूसरी भून रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं फ्रेश छली, दूधिया सिट्टे वाली, फ्रेश हैं बिल्कुल ताज़ा, छिलके इसके साइड पे पड़े हुए हैं, तो मैं खुद ही भून रहा हूँ, वाइफ को नहीं कहा, बच्चों को नहीं कहा, तो खुद ही इसको भून रहा हूँ, आग झेल रहा हूँ, यानी कि हवा चला रहा हूँ, हवा दे रहा हूँ आपको, ताकि जल्दी जल्दी भुने। ठीक है, तो ये जनाब मैंने बोला क्यों ना छली भून रहे हैं, यानी कि छली को पका रहे हैं, तो मैंने बोला आप दोस्तों के साथ भी शेयर करता चलूँ। ये गत्ता ले रहा हूँ, गत्ता ले के फिर इसके ऊपर इस तरह हवा देंगे तो ये जल्दी जल्दी भुनेगी। ठीक है, हवा तेज़ होती है, आग हवा से, यानी कि आग तेज़ होगी, जो नीचे अंगारे हैं वो अंगार जो बढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह जल्दी जल्दी हमारी भुट्टा जो है, छली जो है, कॉर्न जो है, तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो चलें फ्रेंड्स, मैं इसको भूनता रहता हूँ, एंजॉय करें, फिर इसको टेस्ट करूँगा। फ्रेंड छली ये देखें तकरीबन तकरीबन भुन चुकी है। ठीक है, ये देखें ज़बरदस्त हो गया जनाब, ज़बरदस्त VIP। आप साफ़ कर लेते हैं इसमें से जो राख है, हट जाए। वैसे आप नमक में भी भून सकते हैं, लेकिन नमक बहुत ज़्यादा चाहिए होता है फिर इसको भूनने के लिए। तो जनाब ये हमारी छली तैयार है जनाब।